हालेलुया, तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह की। पूरा कलीसिया को जय मसीह की, पापा जी के जय मसीह की। मेरा ना ये बच्चा बिल्कुल बचपन से गूंगा था और 2 साल की हो गई, फिर भी ये कुछ नहीं बोलती थी। और ना कभी कभी बोलती थी तो घिया की आवाज आती थी, बिल्कुल सफाई नहीं बोलती थी। और ना जब से दवाई बीरो करती थी, बहुत सारा गई दवाई कराने, बहुत डॉक्टर से बताई, फिर भी नहीं अच्छा हुआ बच्चा। नहीं मुंह से पानी गिरता था, रेशा वो भी नहीं बंद होती थी, नहीं आवाज निकलती थी अच्छा से। और ना एक दीदी विश्वासी बताई थी, चमत्कार चर्च में जा और प्रार्थना करवाना फर्स्ट एडिट से, और विश्वास करना पड़ेगा और कुछ नहीं लगेगा, वहाँ रुपया नहीं पैसा कुछ नहीं लगेगा। सारे लोग को मेरा ना ताना मारती थी ये बच्चा के लिए, लेकिन ना प्रभु यीशु मसीह के मैं विश्वास की और चमत्कार चर्च में आई और बच्चा की प्रार्थना करवाई, तभी परमेश्वर ने आशीष दिया, मेरे बच्चा को कंठ खोल दिया और अभी सारे चीज बोलती है, मम्मी पापा दादा दादी सारे बोलती है। प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद करती हूँ, लाख लाख धन्यवाद। ये लड़का बाप का 5 साल, 5 साल का आपका बेटा, तो जब ये 2 साल का हुआ तो आपको पता चला कि ये बिल्कुल बोल नहीं पाता है। बिल्कुल नहीं बोलती थी और बुलाती थी, रात दिन में बुलाती थी कि ना मम्मी पापा बोलो, लेकिन फिर भी नहीं बोलती थी। और सारे ना ताना मारती थी पड़ोस वाली सब की, ना तेरा बच्चा सब दिन गूंगे रहेगा, तो चर्च चर्च करती फिर भी तेरा बच्चा नहीं बोलेगा। मैं ना विश्वास करा मन से प्रभु यीशु मसीह के, माना कि नहीं मैं अब कोई डॉक्टर वैद्य के पास नहीं। आप डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर क्या बोलते थे? डॉक्टर बोलती थी जेना इसको जीभ सटा हुआ है। अच्छा, आप किसका जीभ है? जीभ सटा हुआ है, जो जीभ को ना ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आपको जीभ चिपकी हुई है? हाँ, जीभ चिपकी हुई है। बच्चा को ना जो डॉक्टर के पास ले जाके दूसरा डॉक्टर के पास भेजा था कि ना जाओ उसको ना ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो फिर नहीं पैसा हुआ तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। फिर ना एक मेरा गांव में बताई थी पास्टर भैया के बारे में, जो वहाँ पर कोई पैसा वैसा नहीं लगती है, सिर्फ विश्वास करना और तेरा बच्चा चंगा हो जाएगा। वो चमत्कार में जाती हो दीदी, सिर्फ दीदी बताई थी। और उसके बाद आप चमत्कार चर्च में आए? मैं विश्वास किया, विश्वास के साथ आए, कंटिन्यू जाते रहे और परमेश्वर के दास आपके बेटी के लिए प्रार्थना करते रहे। अब आपका बेटा बोलता है? बस 3-4 महीना में प्रार्थना में गई और बच्चा को प्रार्थना करवाई थी पास्टर जी से, मेरा बच्चा का ना आराम आने लग गई, मुंह से पानी गिरती थी वो पानी भी बंद हो गई और बोलने भी लग गई। अब आपका बेटा बोलता है, इसको बुला के दिखाओ माइक। भैया मम्मी पापा दीदी, हालेलुया, तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह की। तो वैसे पहले ऐसे बोलता नहीं था क्या पहले? नहीं, पहले नहीं बोलती थी, बिल्कुल नहीं आवाज आती थी, घिघिया के आती थी आवाज बिल्कुल। ये इनकी भाषा है, बेटा है इसे वो बोलती कह रही, जैसे समझ लीजिए मतलब बेटा है वो। हाँ, तो पहले बिल्कुल नहीं बोलता था, बिल्कुल नहीं बोलती थी। Okay. और अब ना वो सारे चीज बोलती है, दादा दादी मम्मी पापा। परमेश्वर का धन्यवाद करें, इससे बड़ी गुवाही करिए। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें।